Excuse me, भाई साहब. अंजलि तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति को भाई साहब बोलते हुए? Excuse me, यहाँ मैं तुम्हारी वाइफ नहीं कस्टमर हूँ. So please call me ma'am. Oh, ma'am. मुझे गाड़ी लेनी है. गाड़ी लेनी है, चलानी भी आनी चाहिए. लास्ट टाइम आपको याद है ड्राइविंग स्कूल वाला आपके चक्कर में नौकरी छोड़ के भागा था, कहता गेयर एक नहीं डाला, सवाल 3000 पूछ लिए. और आपके पास पैसे कहाँ से आए गाड़ी लेने के लिए मैम? पापा ने कहा है कि वो मुझे गिफ्ट करेंगे. रैम दे गिफ्ट करेंगे, पिछली बार भी 4-व्हीलर बोल के 3-व्हीलर दे दिया, साथ में एक्स्ट्रा स्टेपनी, बोलते हो गया तुम्हारा 4-व्हीलर. डोंट स्पॉइल माय मूड, ओके? मैं यहाँ गाड़ी लेने आई हूँ. मैं बस इतना देखना चाहती थी कि गाड़ी में स्पेस कितनी है. स्पेस तो बहुत है, और हम तो सिर्फ दो ही हैं, तो 7-सीटर है. कोई बात नहीं, ये सीटें बहुत जल्दी भर जाएंगी. ओह रियली? रियली, आज शाम को? आज शाम को मतलब? आज शाम को मेरी फैमिली जो आ रही है. अच्छा, मैंने तो सुना था अच्छे दिन आने वाले हैं. क्या कहा? अब स्पेस काफी है. हाँ, स्पेस तो बहुत है. एक्चुअली हम ड्राइवर भी रख सकते हैं. तुम्हें तो ना हमेशा अपने पापा की जॉब की पड़ी रहती है, ड्राइवर रख लेते हैं. हाँ तो ठीक है, तुम ही चला लो. वैसे भी ये गाड़ी बहुत सेफ है, तुम्हारी ड्राइविंग से डर नहीं लगेगा. हाँ, और जितनी जगह है ना, हम लोग आराम से दूर दूर होके बैठेंगे. लॉन्ग डिस्टेंस रोमांस. सो डन? यस बेबी, डन 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 डन. इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने. गाड़ी बेच भी दी और खरीद भी ली. होंडा मोबिलियो द स्टाइलिश 7-सीटर के बारे में और जानने के लिए लॉगिन कीजिए www.hondacarindia.com पर. कट, फैंटास्टिक शॉट कपिल. कपिल सर, कपिल सर, सर एक सेल्फी. हाँ. अरे क्या मस्त फोटो है यार, देखना देखना, ये कपिल का मूड लग रहा है. कपिल इज म्यूटिलेटिंग यू, यू नीड टू फाइट हिम, यू नो, बी अ लिटिल मोर इंटिमिडेटिंग, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, गेट टू द क्रक्स ऑफ द कैरेक्टर. गॉट इट? हिंदी में बोलोगे? इंग्लिश नहीं आती है, यू नो, बिकम एन एक्टर. हाय, क्या नाम है आपका? राजेश. राजेश, रॉबर्ट रख लेते अंग्रेजी में. अच्छा, अंग्रेजी में एक्टिंग करके बताओ कैसे करते हैं. अच्छा, इसको चला के दिखाओ अंग्रेजी में कैसे चलाते हैं. हमारा देश भी अजीब है यार, मतलब अपनी भाषा की कदर नहीं है. जिसको देखो अंग्रेजी पंथी झाड़ रहा है. अंग्रेजी नहीं आती तो मतलब कुछ नहीं आता. तुम्हें पता है ये जो जापानी, चीनी, रशियन, जर्मन, इन लोगों को गर्व है अपनी भाषा पे, प्यार करते अपनी भाषा से. इनके स्टूडेंट्स हों, इनके साइंटिस्ट हों, इनके नेता हों, सब अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. इनके नेता छोड़ो, अपने नेता ले लो. जिस देश में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी बोली और समझी जाती है, वहां पे भी सीना ठोक के हिंदी में भाषण दिया. ये तो कुछ लोगों ने चलन बना दिया है कि जो अंग्रेजी झाड़ेगा वही झंडे गाड़ेगा. अंग्रेजी बोलो लेकिन उसको दीवार मत बनाओ यार. दादा, आपने कभी कोई अंग्रेजी में तस्वीर ली है? देखा, एक बात बताऊं छोटे भाई, जब हुनर चमकता है ना तो ये अंग्रेजी पंती फीकी पड़ जाती है, समझे? रॉबर्ट, राजेश आओ भाई, मैं समझा देता हूँ आपको. आपने कभी भूत देखा है? नहीं सर. तो इस सेल्फी मोड ऑन करो, अपना मुंह देखो. ये क्या खा रहा है? पिज़्ज़ा. कहाँ से आया? लाइब्रेरी से. कैसे सवाल पूछ रहे मम्मी? रेस्टोरेंट से मंगवाया. पैसे कहाँ से आए? डॉक्टर कहते खाते वक्त बात नहीं करते. जवाब दो, पैसे कहाँ से आए? मेरा वो पुराना वॉकर था ना जिसको मैं यूज नहीं करता था. इज नो मोर. बिक गया. बिक गया मतलब? और ये नए जूते कहाँ से आए? गुड ना, जैकेट भी देखो मम्मी. ये सब कहाँ से आया? मेरे वो लाइटिंग वाले जूते थे ना, टिम टिम करते थे, दैट वाज टू किडिश. शर्मा जी ले गए उसको. और एक मेरा पालना था लकड़ी वाला पुराना. अब मैं तो पल गया, अब उसमें घनश्याम जी का पोता पल रहा है. घनश्याम जी, गुप्ता जी, हाय रब्बा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अच्छा एक बात बता, ये सब तूने अकेले किया? पिद्दी सा तो है तू. आइडिया मेरा है लेकिन किया सब कुछ मामा ने. मामा ने? मेरे पास एक और आइडिया है. क्या? अपने पापा काफी पुराने हो गए, आप कहो तो. कभी हर साल ना जाने कितने बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनकी चीजें उनके लिए यूजलेस, उन्हें वो इलेक्ट्रिक पे डालिए, माता पिता के हित में जारी. थैंक्स. चलो, कार इंश्योरेंस तो रिन्यू हो गया. दिमाग भी रिन्यू करा लेते भोंदूलाल जी, सब पॉलिसी सेम नहीं होती. प्राइस कंपेयर किया,
नहीं। क्या क्या कवर्ड है पता किया? कुछ सेव किया? नहीं। ये क्या है? मतलब मत पूछ, बस लेता जा। कंपेयर नहीं करेगा तो बनेगा उल्लू। और तुझे क्या मिलेगा बाबा जी का? उल्लू। वो भी सीनियर मोस्ट बाबा जी का। policybazaar.com पर जाओ, सभी कार इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान्स कंपेयर करके चूज करो, 7,000 तक बचाओ। क्या चीज है यार, तो चलते हो कमाल लगेगी, लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखेंगे। जिसकी भी होगी ना, ये पूरी फैमिली को संभाल लेगी बॉस। कौन है बे? तुम्हारा बॉस। सर, व्हाट आर यू डूइंग मिस्टर शर्मा? मैं ब्यूटी की तारीफ कर रहा था सर जी। गाड़ी पर ध्यान दो। सर जमाल लड़का हूँ, गाड़ी पे ध्यान दूंगा। मेरा मतलब मैं मोबिलियो की ब्यूटी की ही बात कर रहा था सर। अच्छा जी, तो जरा बताइए क्या क्या है गाड़ी में? अभी तो कोई नहीं है सर, लेकिन जो लेगा उसको बड़ा फायदा है सर। कमाल का कंफर्ट है, कमाल की स्पेस है, एवरीथिंग इज कमाल सर। कमाल की माइलेज है सर, और एक साथ सात सात लोग बैठ सकते हैं सर, एडल्ट्स वो भी। और बताओ? और क्या बताऊं सर, बड़ी दीदी के लिए ढंग का लड़का नहीं मिल रहा है सर। कुछ आपकी नजर में होगा तो बताइए। मिस्टर शर्मा, आई एम टॉकिंग अबाउट मोबिलियस फीचर्स। फीचर्स सर? फीचर्स तो फीचर्स छोड़िए सर, उधर देखिए मेरा फ्यूचर आ रहा है। शट अप, क्लाइंट को अच्छे से हैंडल करो। अच्छा यार बेटा, लड़का बहुत ही अच्छी फैमिली से है। मॉम पहले गाड़ी देख ले, लड़का बाद में देख लेंगे। और अगर दोनों काम एक ही जगह हो जाए तो? ये रही गाड़ी और क्या? You know what I mean? कपूर साहब का बेटा अमेरिका में रहता है, बहुत बड़ा घर है और खूब स्पेस है। स्पेस तो इसमें भी कम नहीं है मैम, इट्स अ ह्यूज, यू नो। आप और घर तो एक ही जगह पे खड़ा रहेगा, लेकिन इसको आप कहीं पे भी ले जा सकती हैं। यू नो कुल्लू मनाली, लोनावला, खंडाला। क्या 6 लोगों की फैमिली, इतनी झंझट? और शादी के बाद 7 भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, इट्स अ 7 सीटर। और अगर जुड़वा हो गए तो? तो एक को पति की गोद में बिठा दीजिएगा मैम, लेग स्पेस बहुत ज्यादा है, झंझट ही कोई नहीं। अरे लड़का एवरेज लुकिंग है तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो हम भी कर लेंगे, है ना स्वीटी? लेकिन यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है मैम, ना ही लुक्स में और ना ही एवरेज में। एसेसमेंट क्या बात कर रहे हो मेरी बेटी से? चलो बेटा, कपूर साहब ने हाँ कह दी अपने बेटे के लिए। जिंदगी का सफर हो या रास्ते का, पसंद तो अपनी होनी चाहिए। तो बताओ, कपूर का लौंडा के अपना होंडा? अपना होंडा। होंडा मोबिलियो द स्टाइलिश 7 सीटर के बारे में और जानने के लिए लॉग इन कीजिए www.hondacarindia.com पर। कहां जाना भाई? डेट है और तू लेट है। हाँ आ जा। पहली गर्लफ्रेंड? नहीं, चौथी। तेरी पिछले वाले कितने दिन तक थी? 5 महीने। तेरी और उससे पहले वाली? वो भी 5। तेरी फिर मैंने काफी सोचा पर... ये डेट लेट का चक्कर छोड़ और किसी एक पे टिक जा। मतलब जैसे ये ईगल लोगो वाले टीवीएस टायर्स, बुरा वक्त हो या सही, अच्छी सड़क हो या नहीं, टिके रहते हैं, समझे? हाँ। फ्री की एडवाइस मिली ना? हाँ। चल पैर छू, मेरे नहीं टीवीएस टायर्स के। ओह चल रहने दे, तेरी डेट है और तू लेट है, लेकिन याद रखना गर्लफ्रेंड हो तो टीवीएस टायर जैसी टोटली टिकाऊ। हाँ हेलमेट दे। ओ सॉरी।